जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके जॉब से ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा रिक्वायरमेंट जारी की गई है, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर, जूनियर टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट की इसमें आपको अलग अलग वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो 10th प्लस 2 प्लस इसमें आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट हैं वो 37 दी गई है और एज लिमिट आपको 18 से 32 साल तक दी गई है। तो दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे और आप इसके लिए कैसे अप्लाई करोगे उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज की डिटेल लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये आपकी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंगुल के द्वारा जारी की गई है, जो कि उड़ीसा से है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी पोस्ट हैं वो जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट की इसमें आपको टोटल 23 पोस्टें दी गई हैं और बाकी आप इसमें कैटेगरी वाइज आप यहां से इसकी वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, इसमें आपको टोटल 8 पोस्टें दी गई हैं और इसके बाद आपकी जूनियर टाइपिस्ट की इसमें आपको टोटल 6 पोस्टें जारी की गई हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट की, तो वो आपकी 19,900 से 63,200 रुपये तक है। और जो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसमें आपकी सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये तक और जूनियर टाइपिस्ट की 19,900 से 63,200 रुपये तक आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th प्लस 2 पास होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको एज लिमिट दी गई है, जो कि 18 साल से 32 साल तक होगी, जो कि काउंट की जाएगी 27/8/2021 तक। तो दोस्तों, बाकी आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर यहाँ से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसमें जो आपकी फ़ीस है वो 100 रुपये रहेगी, जिसका आपने ट्रेजरी चलान बनवाना है। और दोस्तों, इसमें जो आपकी सिलेक्शन और प्रोसेस रहेगा उसमें आपका जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट के लिए आपके दो पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश का 100 मार्क्स का, अर्थमेटिक का 100 मार्क्स का और जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो आपका पार्ट टू है उसमें आपका कंप्यूटर साइंस टेस्ट 100 मार्क्स का होगा और इसमें आपका इंटरव्यू 45 मार्क्स का लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपका इसमें सिलेबस क्या रहेगा वो आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर यहाँ से अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जूनियर टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। तो इसमें भी आपका जो एग्ज़ाम है वो दो पार्ट में होगा, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश का 100 मार्क्स का होगा, उसके बाद टाइप टेस्ट 50 मार्क्स का होगा और शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपका इसमें पार्ट टू है उसमें आपका कंप्यूटर साइंस टेस्ट 100 मार्क्स का और इसमें इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27/8/2021 तक आपके लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और इसके सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपने इस एड्रेस पर सेंड करने हैं, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंजुल उड़ीसा, पिन 75/92 पर आपने 27/8/2021 से पहले पहले इसे स्पीड पोस्ट के जरिए या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए सेंड करना है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो आप इनकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म में की। तो जब आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे इसी में आपको इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपने सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है और यहाँ पर आपने एक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है और उसके बाद आपका नेम ऑफ कैंडिडेट आपने कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में लिखना है, उसके बाद आपका फादर नेम और हस्बैंड नेम, सेक्स मेल या फीमेल, मैरिज स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपने लिखनी है, उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल आपने यहाँ पर पूरी फिल करनी है। तो दोस्तों, इसके बाद आपका SC ST OBC कैटेगरी कौन सी है वो लिखनी है, उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, नेशनैलिटी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपका अटैच टू करेक्टर सर्टिफिकेट और आपका डिटेल ऑफ ट्रेजरी चलान और आपने लास्ट में
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखनी है, और इसके बाद आपने प्लेस डेट लिखने के बाद सिग्नेचर करने हैं, और इसे आपने स्पीड पोस्ट के जरिए या फिर आप इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।